नमस्कार पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूं कुमार अमिताभ भारतीय सेना ने गद्दारों के मुंह पर फिर एक जोरदार झन्नाटेदार तमाचा जड़ा है उन्हें बता दिया है कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब सेना देगी जिस तरीके से राहुल गांधी ने चीनी सेना की तस्वीरें पोस्ट की थी गलवान क्षेत्र में झंडा फहराते हुए उससे सारा देश शर्मशार हो गया था सारे देश को बहुत तकलीफ हुई जबकि टुकड़े टुकड़े गैंग इस चीज़ को आगे बढ़ बढ़ के और प्रचार प्रसार करने लगा रणदीप सुरजेवाला ने भी उस ट्वीट को आगे बढ़ाया था और चारों तरफ से देश के अंदर इस बात को लेकर रोष पैदा हो गया था आखिर यह कैसे लोग हैं जो अपने ही देश को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हैं गलवान घाटी के बारे में गलत सूचनाएं प्रसारित करने का इनका उद्देश्य क्या है ऐसे टुकड़े टुकड़े गिरोह के लोगों ने पहले भी देश को हमेशा अपमानित करने की कोशिश की है चीन के सामने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है ये वो लोग हैं जिनको कभी भी चीन को जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी जब भारत ने चीन का सामना आँखें में आँखें डाल करना शुरू कर दिया है फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है सबको याद होगा कि गलवान में भारतीय सेना ने किस तरह से चीनी सैनिकों को ज़मीन सुंघा दी थी भारत और चीन के बीच हमेशा ही रिश्ते बहुत ही सख्त रहे हैं चीन जिस तरीके से भारतीय ज़मीन पर साल दर साल कब्जा करने की कोशिश करता रहा है उससे भारत में हमेशा ही चीन के विरुद्ध नाराज़गी रही है पहले की सरकारें चीन को सही ढंग से जवाब नहीं दे पाती थी अक्सर जैन आगे बढ़ के हमारी जमीन कब्जा कर लेता था और भारतीय सैनिकों को पीछे हटने को कहा जाता था आज जब भारतीय सेनाएं गर्व से सिर उठाए अपने सीमाओं की रक्षा कर रही हैं उस वक्त भारत के सैनिकों को अपमानित करने की कोशिश वह भी एक ऐसे दल द्वारा जिसने यहाँ पैंसठ साल से ज़्यादा शासन किया है बेहद शर्म की बात है भारतीय नागरिकों को इससे काफ़ी तकलीफ होती है जिस तरीके से गलवान में भारतीय सैनिकों ने भारतीय झंडा फहरा करके अपने संदेश के साथ फोटो ट्वीट की है उससे ऐसे टुकड़े टुकड़े गिरोह के लोगों को बहुत शानदार जवाब मिला है इससे भारतीय जनता में प्रसन्नता है सबको आश्चर्य होता है कि यह कैसे संभव है कि अपने ही देश के लोग अपने ही सेना को नीचा दिखाने की कोशिश करें हम ऐसा कैसे कर सकते हैं क्या हम सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं राजनीतिक बात न करें तो भी आम जनता क्या सोचती है आम जनता इस बात को लेकर बहुत आहत होती है जिसका असर उनके पॉलिटिकल कैरियर पर भी पड़ेगा जो लोग भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां कोई आपसी लड़ाई नहीं चल रही है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तो आपसी सारे झगड़े भुलाकर हमें एक होकर के दुश्मनों का सामना करना चाहिए क्या यह सबक वो पुरानी पार्टी भूल गई जिसने पैंसठ सालों से ज्यादा इस देश में शासन किया है क्या उसके ऐसे नेताओं को शर्म नहीं आती कि वह अपने ही सेना को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस सेना ने भारत का भारतीय जनता का मस्तक हमेशा ऊंचा रखा है पिछले सात सालों में हमने देखा है कि किस तरह भारतीय सेना ने भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर सही जवाब देकर और चीन को ठोक करके दुनिया के सामने उनकी कमजोरियां उजागर कर दी है और भारत का सीना शान से गर्व से तान कर रखा है सामने हमें लगता है कि उन लोगों को अब सुधर जाना चाहिए वरना जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी धन्यवाद जय हिंद